अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो छोटे आलू होते हैं ना, बेबी पोटैटोस, वो मसाले वाले बनाने जा रहे हैं। सलाद के साथ बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसमें हम कुछ वेजिटेबल डालेंगे और बॉयल्ड पोटैटो डालेंगे और कुछ मसाले डालेंगे। तो ये इतना आला बनता है कि आप इसको चिप्सों की जगह खा सकते हैं। तो देखें, इसके लिए आप कोई भी बेबी बेबी पोटैटोस ले लें। मैंने ये वाले लिए हैं, तकरीबन 1 kg से मैं ऊपर ही डालूंगी। ये छोटे छोटे आप देख सकते हैं। इनको अच्छे से धो के आप किसी हंडिया में डाल लें। और तकरीबन मैं सवा सवा पैकेट लूंगी, क्योंकि दो तो ज्यादा हो जाएंगे। सवा पैकेट लेके फिर इसमें हमें शिमला मिर्च वगैरह गार्निश के लिए चाहिए, और अच्छी सी जो भी आप वेजिटेबल इसमें ऐड करना चाहें। तो ये बहुत प्यारी डिश बनती है कि आपको अगर चिप्सों को दिल ना चाहे तो उसकी जगह आप इसको बनाएं, रोस्ट के साथ या फिश पकौड़े के साथ या किसी भी ऐसी चीज के साथ। तो चले चलते हैं, हम इसको धो के हंडिया में रख देते हैं। अब आप देख सकते हैं, मैंने फुल पे चूल्हा करके इनको धो के अच्छे से धोना है आपने, क्योंकि हमने इसका छिलका नहीं उतारना है। याद रहे, छिलका उतारे बगैर आप इसे उबालेंगे और हम इसी तरह से इसको यूज करेंगे, छिलका इसका नहीं उतारेंगे। तो इसीलिए आपने इसको बहुत अच्छे से एक एक आलू को धोना, ताकि कोई मिट्टी लगी ना रह जाए। तो अब आप इसे ढक के रख दें, इतना पानी डाल दें कि सारे आलू उसमें डूब जाए। तो जब ये उबलने लग जाएगा फिर हम इसको मीडियम आँच पे कर देंगे। तो चले मिलते हैं जब तक ये उबलने लग जाए। अब आप देख सकते हैं, ऐसे 5-6 मिनट हो गए हैं पकते हुए, मैंने मीडियम कर दी थी। जैसे ही पानी उबलने लग गए तो आलू हम चेक कर लेते हैं, अगर थोड़ा सख्त है फिर और, अभी थोड़ा सख्त है तो इसे हम 5 मिनट और पकाते हैं। जैसे ही बस आलू गल जाएगा ना, आपने कोई भी नाइफ या स्पून की मदद से उसके अंदर ज़रा लगा के देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि वो पूरा गल चुका है। अगर ऐसा है तो बस फिर बंद कर दें चूल्हा और पानी निकाल दें और इसको सिप में निकाल लें। अब आप देख सकते हैं, माशाल्लाह इसको 7 मिनट और हो गए हैं और ये बिल्कुल तैयार है। मैंने एक में नाइफ ये देखें लगा के देखा है और वो टूट रहा है आसानी के साथ, नीचे तक नाइफ जा रहा है। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया, अब मैं इसको सिप में निकालने जा रही हूँ। तो फिर आते हैं अपने मसाले की तरफ। अब हम आते हैं अपने मसाले की तरफ। तो आप पैन में तकरीबन थोड़ा सा तेल डाल दें, 3-4 खाने के चम्मच आलुओं के लिए। तो ये हम डाल देते हैं, मैंने चूल्हा तेज पे कर लिया, दैट शुड बी इनफ। और ये है जी 1/2 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जीरा एंड 1 टीस्पून ड्राई मेथी। पहले आप इसमें आलू ऐड कर लें, नहीं तो वो फिर मिर्च जलने लग जाएगी। अब आलू का पानी अंदर चला गया ना, इसे हल्का सा हिलाएं। और अब आप ये सारे मसाले डाल दें, अब इनको हिलाएं, नहीं तो मिर्च एकदम से जल जाती है। अब इन्हें माशाल्लाह हिलाएं। और अब हम इन्हें तब तक थोड़ा सा पकाएंगे जब ये हल्का हल्का इनके ऊपर कलर आना शुरू हो जाएगा आलू के। और आँच को ज़रा मीडियम कर लें, हम हाई से मीडियम कर दें कि वो रोस्ट हो रहे हैं। ऐसे ना हल्का हल्का लाली सी जब आने लग जाए ना, तो माशाल्लाह वो दोनों साइड से तैयार है। फिर आप उसको टर्न करते जाएं ताकि वो एक साइड से अगर हल्का सा रेड हो जाए तो फिर आप दूसरी साइड से उसे टर्न कर दें। एक आधा मिनट में इसे और बनाऊंगी। बस आपने कलर का इंतज़ार करना है ये, क्योंकि आलू तो कुक हो चुके हैं, इसका कोई मसला नहीं है। आपको ये नहीं वेट करना है कि इनके कुक करना है, बस हल्का सा इसके छिलके के ऊपर कलर लेकर आना, जैसे रोस्ट सा होता है। तो 1 मिनट के बाद हम फिर देखते हैं। चलिए जी, अब ये रेडी है। अब आप इसमें 3 तरह की शिमला मिर्च डाल दें, थोड़ी थोड़ी, ये देख लें, थोड़ी थोड़ी मैंने ली है, 1/2 शिमला मिर्च ईच, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज हो या येलो हो जो भी कलर है, और ग्रीन, 3 तरह की डाल दें, 4 तरह की डाल दें, खूबसूरती के लिए माशाल्लाह। इसको बस एक आधा चक्कर देना है, हमने शिमला मिर्च को पकाना नहीं है, क्योंकि ये ढीली हो जाएगी। ये क्रंची ही अच्छी लगती है। तो ये माशाल्लाह तैयार है। अब आप इसको चूल्हा बंद करके बस हिलाएंगे। तो ये आलू तैयार है माशाल्लाह खाने के लिए। आप इसे खा के देखें, दे आर डिलीशियस। यकीन करें कि ये हेल्थी भी होती है, ज़ाहिर है चिप्सों से ज़्यादा, और टेस्टी भी ज़्यादा है, क्योंकि इनको नमक मिर्च लगी होती है। तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।